हबुका किचन में आज हम ब्लैक फॉरेस्ट स्ट्रॉबेरी केक बनाएंगे। अगर आप मेरी ये रेसिपी फॉलो करके केक बनाएंगे तो आपका केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। हम स्टेप बाय स्टेप केक बनाएंगे तो आप ये वीडियो पूरी जरूर देखें। तो चलिए केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। 225 ग्राम मैदा, 2 छोटे चम्मच बेकिंग सोडा, 2.5 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे और इसे छान लेंगे। अब इसमें 2.5 कप बारीक पिसी हुई शक्कर, 3/4 कप कोको पाउडर, 2 बड़े चम्मच इंस्टेंट कॉफी पाउडर और इसे भी अच्छे से छान लेंगे। छान लेने के बाद सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी है। अब हम केक का बैटर बनाएंगे। एक बाउल में 3 अंडे लेंगे। अंडे को 8 से 10 मिनट तक फेंटेंगे। अंडे फेंट लेने के बाद 2 छोटे चम्मच वेनिला एसेंस ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 3/4 कप मेल्टेड बटर ऐड करेंगे और इसे भी 3 से 5 मिनट के लिए फेंटेंगे। अब इसमें 3/4 कप मिल्क ऐड करेंगे और इसे भी 3 से 5 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1/4 कप दही ऐड करेंगे और इसे भी 3 से 5 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। बैटर रेडी है। अब इसे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे। बैटर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 1/2 कप गर्म पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। केक बैटर रेडी है। अब इस तरह का मोल्ड लेंगे। उसमें हमने बटर लगाया है और थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे। आप कोको पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप कोई भी शेप का मोल्ड ले सकते हैं। अब इसमें केक का बैटर ऐड करेंगे और इसे टैप करेंगे। प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। केक बेक हो रहा है तब तक हम स्ट्रॉबेरी पल्प बना लेंगे। एक फ्राई पैन में 2 कप बारीक कटी हुई स्ट्रॉबेरी, 3 बड़े चम्मच शक्कर, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे और स्ट्रॉबेरी को पल्पी होने तक कुक करेंगे। 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर स्ट्रॉबेरी को कुक करेंगे। स्ट्रॉबेरी पल्पी हो गई है और ये थिक भी हो गई है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। केक बेक होके रेडी है। ये देखिए, ये अच्छे से बेक हो गया है। केक को ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको 3 हिस्सों में काट लेंगे। थोड़ा सा व्हिप क्रीम लगाएंगे। इस पर एक हिस्सा केक का रखेंगे, व्हिप क्रीम लगाएंगे, इसे अच्छे से फैला देंगे, सारा हिस्सा व्हिप क्रीम से कवर करेंगे।
बॉर्डर पर इस तरह से व्हिप क्रीम लगाएंगे। बीच में हमने जो स्ट्रॉबेरी पल्प बनाया था उसका लेयर करेंगे। स्ट्रॉबेरी का लेयर करने के बाद केक का दूसरा हिस्सा रखेंगे, इस पर चॉकलेट गनास का लेयर करेंगे, हाफ कप डार्क चॉकलेट और 3 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम को मेल्ट करके चॉकलेट गनास बनाया है। चॉकलेट गनास से इसको पूरा कवर कर लेंगे। अब इस पर केक का तीसरा हिस्सा रखेंगे। इस पर व्हिप क्रीम लगाएंगे और केक को पूरा व्हिप क्रीम से कवर करेंगे। केक को क्रीम से कवर करने के बाद बॉर्डर पर इस तरह से फिर से व्हिप क्रीम लगाएंगे। अब इस पर स्ट्रॉबेरी पल्प रखेंगे। स्ट्रॉबेरी पल्प ऐड करने के बाद इसे साइड पर चॉकलेट से गार्निश करेंगे और इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रखेंगे। अगर आपको ब्लैक फॉरेस्ट स्ट्रॉबेरी केक की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you for watching.